काय के रिश्तेदार, मैं तो आज तक मिला ही नहीं हूँ तुझसे। तेरे को शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? ज्यादा तू इतनी ज्यादा ऊपर चढ़ रही है ना, और तू भरतपुर में रह रही है, हम शिवपुरी में रह रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या सपना के ससुर जी और राजवीर चौधरी के पिताजी ने अपने अतीत में कुछ ऐसे काम किए थे जिस वजह से उनका अंजाम उनके बेटों को भुगतना पड़ा? जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये उनके ही परिवार की किसी खास सदस्य ने ये सोशल मीडिया पे कहा है दोस्तों कि राजवीर चौधरी के पिताजी ने कुछ ऐसे काम करे थे जिस वजह से उसका खामियाजा राजवीर चौधरी और सूरज चौधरी को भुगतना पड़ा, जिस वजह से शायद परिवार वाले कुछ बोलने के हालत में नहीं है। मतलब शायद इसी वजह से कि राजवीर के पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि किस वजह से उनके दोनों बच्चों को छीन लिया गया है उनसे। यह दोस्तों, परिवार ने इस विषय में कुछ भी खुल के बात नहीं कही है, तो हम आपको साफ साफ बताते हैं कि एक्चुअल में मैटर क्या है। दोस्तों, राजवीर चौधरी के जो पिताजी उनके भाई बहन हैं, और आपको पता है गाँव में प्रॉपर्टीज बहुत होते हैं, तो दोस्तों फार्मर्स टाइप के हैं ये लोग। तो दोस्तों इनकी जो परिवार की जो एक बहू है जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फन फैला के बैठी हुई और मुंह से जहर के जहर उगाले जा रही है, आप सब तो बतौर उनको जानते होंगे, क्योंकि खरबूज शक्ल वाली है और निहाजी घटिया किस्म की औरत है वो। उन्होंने राजवीर चौधरी के पिताजी को कहा है दोस्तों कि आपके खुद के जो कर्म है वो आपको भुगत रहे हो, जो आपका कर्मा है, कर्मा इज बैक। इसका मतलब लोग बाग ये अनुमान लगा रहे हैं कि राजवीर चौधरी के जो पिताजी हैं उन्होंने शायद ऐसा कुछ काम किया था जिस वजह से उनको अभी चुप्पी साधना पड़ रहा है। इस वजह से शायद उन्होंने राजवीर चौधरी के केस की जांच करवाने से इनकार कर दिया। और कहा जा रहा है दोस्तों, राजवीर चौधरी की जो माताजी है उनको राजवीर चौधरी का अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया था, क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है राजवीर चौधरी का जो एक्सीडेंट हुआ था, जैसा कि हमको घर वालों ने बताया, उनकी माताजी को उनकी बॉडी का दर्शन नहीं करवाया गया था। उनकी माताजी ने रो रो के हमसे यह कहा था, और परिवार में ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि राजवीर चौधरी की जो डेथ हुई थी वो नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं हो रही थी, क्योंकि परिवार वाले कहीं ना कहीं किसी दबाव में चुप है, पर सच जो है यही सामने आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, पहले मैं बता दूं कि ना मैं राजवीर चौधरी के परिवार के पक्ष में हूँ, ना मैं रेखा के पक्ष में हूँ, और ना मैं वो फलाना की देवी के पक्ष में हूँ। जो सच है, जो मुझे लगता है, जो बहुत से व्यूअर्स को लगते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर को लगते हैं, मैं सिर्फ वो बात निकाल रही हूँ कि अगर एक्सीडेंट होता है तो बॉडी का परकच्चे उड़ जाता है, पर राजवीर चौधरी के बॉडी में कोई निशान नहीं था। इसलिए दोस्तों उनकी जो बहू है वो ये दावा कर रही है कि इनके जो परिवार वाले हैं ये कुछ छुपा रहे हैं, इनके परिवार वाले सब कुछ जानते हैं। और जो राजवीर चौधरी के जो पापा है उन्होंने अपने छोटे भाई से बहुत सारी प्रॉपर्टियां छीन ली थी, इसलिए शायद उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं वो। और आगे वो बोलती है मोहतरमा कि आपने आज तक बहुत कुछ छीना है लोगों से, अब शायद आपसे छीनने की बारी है। ये बात लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी ज़्यादा क्यों वो ज़्यादा बोल रही है, क्योंकि जो घर की संस्कारी बहुएं होती है वो कभी भी अपने बड़ों के खिलाफ इस तरीके से गंदा वर्ड्स यूज़ नहीं करती, जैसा कि इनकी जो बहू है, जेठानी है सपना की, वो इस तरीके से इनके परिवार में बतौर लांछन लगा रही है बिना डर के। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, और ये भी बोल रही हैं कि मैं सबूत दूंगी सपना के परिवार का कि सपना का परिवार जैसे वीडियो में दिखता है ऐसा है नहीं। तो हमें बिल्कुल सबूत का इंतज़ार रहेगा मैडम आपका, और अगर सबूत नहीं दे सकी ना तो अपने पैरों का जो जूता है ना वो निकाल के अपने ही मुँह पर मार लियो, अगर सबूत ना दिखा पाई हो तो। क्योंकि आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बैठ के एक परिवार पर इल्ज़ाम लगाए जा रही हो, अब आप सपना के पिताजी पर आ गई हो कि सपना के पिताजी जो ऐसे हैं वैसे हैं, सपना के पिताजी के रिश्ते खराब हैं लोगों से, सपना के पिताजी ने शायद अपने पुराने टाइम पे कुछ ऐसे काम किए थे जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। और मैडम ने ये भी कहा है कि मेरी सास से भी इन्होंने संपत्ति हड़पना चाही थी पर हड़प नहीं सकी। मैं आपको बता दूं जो इनकी सास है वो राजवीर चौधरी की सगी बुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या राजवीर चौधरी के पिताजी ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों, पर ये जो कह रही है, जिस दावे के साथ कह रही है,
पता नहीं उसमें क्या सच्चाई है नहीं है। आगे ये बोलती है कि राजवीर चौधरी को तुम्हारे गांव के सामने मार दिया गया, तुम्हारे घर वालों के सामने मार गया, सपना तेरे सामने तेरे पति को मार दिया गया, तब तो तू कुछ नहीं कर सकी, मेरे खिलाफ मुझ जैसी औरत के खिलाफ तुम पुलिस स्टेशन तक चली गई FIR करवाने पर, जिसने तुम्हारे पति की जान ली उसके खिलाफ तुमने एक शब्द नहीं बोला। जो दोस्तों ये भी उन्होंने दावा किया है कि शायद तुम लोग जानते हो कि राजवीर चौधरी का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सारा जो दोष है इन्हीं के परिवार की बहू इनके परिवार पे लगा रही है कि राजवीर चौधरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों राजवीर चौधरी का तो केस की जांच ही नहीं हुई है, पर हो सकता है आने वाले दिनों में राजवीर चौधरी का केस जो है ओपन हो और ये शायद CBI के पास भी जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से रहस्यमय तरीके से एक इतना बड़ा यूट्यूबर दुनिया छोड़ के चला गया, वाकई में बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है कि एक्चुअल में उस रात को राजवीर चौधरी के साथ हुआ क्या था। क्योंकि जो इनकी जेठानी है, इन्होंने सपना पे भी इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि सपना मामूली